बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सहर्स किचन। आज मैं आपको आलू पकौड़े बनाना सिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा यम्मी डिलीशियस होंगे, इजी भी। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। एक कप बेसन, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर नहीं है तो राइस फ्लोर ले सकते हैं, चावलों को पीस कर उसका फ्लोर बन जाता है, 1 टेबल स्पून वो ले लें। और अगर आप ये भी नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नमक हंस पे जाएगा, हाफ टी स्पून हम ले रहे हैं जीरा पाउडर, आप साबुत जीरा भी ले सकते हैं, 1/4 टी स्पून ऑरिगेनो, 1/4 टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 2 अदद बड़े आलू ले रही हूँ। तो आइए अब इनको स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम आलू की कटिंग कर लेते हैं। तो आप देखिएगा आपने कितना इसकी कटिंग करनी है। आपको एक दिखा देती हूँ, ये देखिए बस इतनी इसका अपने साइज रखना है। इसी तरह इसको सारों को काटने आप। तो ये देखिए मैंने आलू की कटिंग कर ली है। अब इसको देखिए मैंने सारे आलू को बाउल में डाल दिया। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे ताकि ये काले ना पड़ जाए। अब हम इसका बैटर रेडी करते हैं। एक बार में हम सबसे पहले बेसन ऐड कर देंगे, इसके बाद सारे मसाले ऐड करते जाते हैं, कुटी लाल मिर्च, ऑरिगेनो, बेकिंग पाउडर, अच्छा बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसमें बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर, लाल मिर्च, जीरा पाउडर और नमक। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लें पहले। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी भरा। तो ये देखिए ये भी बहुत थिक है, इस तरह नहीं रखना, थोड़ा सा पानी और ऐड करें। मैं आपको बताती हूँ आपने इसको कितना रखना है। जी ये देखिए बस इस तरह रखना है आपने, ना बहुत लूज हो ना बहुत टाइट हो, सख्त ना हो क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा थिक थिक सा आपकी लेयर आएगी। बस इतना रखें तो ये बेस्ट रहेगा। तो आइए अब इसको हम फ्राई करते हैं। पैन में हमने ऑयल लिया है, इसको मैंने दरमियाना गर्म किया और आलू में से मैंने सारा पानी को रिमूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो बैटर बनाया था इसमें यूँ डिप करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कैसे रखना है, ये देखें यूँ आना चाहिए। अब इसको हम भारी भारी डालते रहेंगे और याद रहे फ्लेम जो है वो मीडियम हो, लो नहीं करनी, इससे जो है वो पकौड़े हो या चिप्स हो कुछ भी हो अच्छे नहीं बनते। अब इसमें डालते जाए। जी देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब इनको हम निकाल लेते हैं। जी हमारी गर्मा गर्म आलू पकौड़े रेडी हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कितने जबरदस्त से हैं, अंदर से सॉफ्ट बाहर से क्रिस्पी से हैं। तो ये देखिए काफ़ी गर्म है अभी, ये देखिए क्रिस्पी आवाज़ आ रही होगी और ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं माशाल्लाह से। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है आप सबको ये बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।